नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए दृश्यों के साथ, सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक अनमोल से, अद्भुत से, अनोखे से चीज को लेकर, जिसने मॉडर्न फार्मिंग का परिभाषा ही पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जिसने टेरेस गार्डनिंग की परिभाषा को दोबारा से बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से लिखने में बहुत मदद की है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं कोकोपीट के बारे में। दोस्तों इस कोकोपीट को हमने ऑनलाइन मंगवाया है, ये 15 किलो का टोटल क्वांटिटी है और 5-5 किलो के ब्लॉक्स में ये बटा हुआ है। टोटल 3 ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और हम आज सिर्फ एक ब्लॉक को तैयार करेंगे और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार से आप कोकोपीट को तैयार कर सकते हैं और अपने पेड़ पौधे में डालकर अपने पेड़ पौधे को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अद्भुत तरीके से उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडर्न फार्मिंग में एक वरदान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोकोपीट को जब आप पौधे में डालते हैं तो मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहती है, इससे बीज या पौधे में फंगल रोग नहीं लगता और बीज तेजी से ग्रो करते हैं। आपके पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से मिट्टी में ग्रो करते हैं, चारों तरफ बहुत ही आसानी से फैलते हैं। और अगर रूट्स बहुत अच्छी तरीके से फैलेंगे तो ये ऑब्वियस है कि पेड़ भी बहुत जल्दी से, बहुत ही फ्रेश तरीके से ग्रो करेगा। इसीलिए जो टेरेस गार्डनर है उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण सा एक वरदान है, जो कि आपको तो अवश्य प्रयोग करना ही चाहिए अपने फार्मिंग में। आप प्रयोग तभी करेंगे जब आप इसका पहली बार यूज़ करेंगे, और जब आप पहली बार इसका प्रयोग करेंगे तो मेरा पूरा ये यकीन है कि आप इसका उपयोग करते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत सा चीज़ है पेड़ पौधे के तेज विकास के लिए। दोस्तों कोकोपीट एक तरह का फाइबर मटेरियल होता है जो कि सूखे नारियल के छिलकों से तैयार किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस जैसे कई अमूल्य मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए कोकोपीट पेड़ पौधे के अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, एक वरदान से कम नहीं है ये मॉडर्न फार्मिंग के युग में, जब हम सब टेरेस गार्डनिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब हम रूफटॉप फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हर कोई घर के उगे शुद्ध हरे सब्जियों का सेवन करना चाहते हैं और बहुत तेजी से, बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस समय इस कोकोपीट का आप जरूर से प्रयोग करें अपने सॉइल में, अपने मिट्टी में, जहां आप हरे सब्जियों को उगा रहे हैं, जहां आप अन्य पेड़ पौधे को उगा रहे हैं, चाहे वो टेरेस पर हो या बैलकोनी में हो या जहां पर भी आप उगा रहे हो, आप इसको हर जगह उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जब भी कोकोपीट का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो ब्लॉक्स का ही यूज़ करें, क्योंकि जो पाउडर्ड फॉर्म में जो अवेलेबल रहती है, चाहे वो मार्केट प्लेस पे हो या ऑनलाइन, उसमें मिट्टी बहुत अधिक मिला रहता है और जब आप उसको पानी में मिलाते हैं तो वो बहुत कम मात्रा में फूलता है। और ये जो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ये जो ब्लॉक्स या ब्रिक्स जो अवेलेबल है वो बहुत अच्छा होता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का कोकोपीट का ही आप यूज़ करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी के टाइम में कोकोपीट के ब्रिक्स मिलते हैं जिसमें मिट्टी बहुत अधिक होती है और नारियल के छिलकों का अंश बहुत कम होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है आपके पेड़ पौधे के लिए। देखिए दो गमलों में हमने इसको पूरी तरीके से 5 किलो के ब्लॉक को तैयार कर लिया है और आज हम इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे और कल इसे हम अपने जो गमले तैयार हैं जिसमें हमने मिट्टियों को रखा है उस मिट्टी के साथ इसको मिलाएंगे, जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे और फिर उस पर हम पौधों का रोपण करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कोकोपीट के बारे में जानकारियाँ जो हमने आपके साथ साझा की है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कहीं विराम देते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हरियाली को बरकरार रखें। धन्यवाद।